वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का ओशियन द हीलर में। आज मैं बात करूंगी अक्षय तृतीया की। वैसे तो अक्षय तृतीया के बारे में सब लोग जानते हैं, अक्षय माने आज का दिन, अक्षय तृतीया के दिन जो भी काम करेंगे वो कभी क्षय नहीं होगा, मतलब कम नहीं होगा। जैसा आप मांग रहे हैं, जैसा आप विश कर रहे हैं, वो वैसे के वैसा बना रहेगा। ठीक है फ्रेंड, तो आज जान लेते हैं। ऐसे तो अक्षय तृतीया के दिन मतलब पहले राजा महाराजा लोग तो सोना दान करते थे, तो सोने के मतलब उनको लगता था जितना ज़्यादा दान करना, दान की महत्ता भी है आज के दिन की। अक्षय तृतीया के दिन दान पुण्य बहुत करना चाहिए। मगर मैं यहाँ आज आपको छोटी छोटी सी टिप्स देने आई हूँ, जो छोटे छोटे काम करके हमें बड़ी सफलता प्राप्त हो जाए। जैसे अब किसी के पास सोना नहीं है तो हल्दी दान कर सकते हो, आप धनिया दान कर सकते हो। माँ लक्ष्मी और विष्णु जी का दिन माना जाता है अक्षय तृतीया, तो अपन उनके सारे मतलब पूजा पाठ में जो भी चीज़ें यूज़ होती है, जैसे कौड़ियाँ हो गई है ना, फिर अपने गोमती चक्र हो गए, तो जैसे कुछ लोग इनकी पूजा भी कर सकते हैं। मैं आपको कुछ छोटी छोटी सी टिप्स बता दे रही हूँ। सुबह नहा धो के अपनी, जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो सोना खरीदने की भी मतलब इसमें प्राथमिकता दी जाती है खरीदने को। अच्छी अच्छी चीज़ें, महंगी महंगी चीज़ें खरीदो, सोने से महंगा क्या हो सकता है। अच्छा, डायमंड की इतनी महत्ता नहीं है, क्योंकि डायमंड वाइट कलर का होता है, पीली वस्तु, पीली सोना पीला होता है, तो माँ लक्ष्मी को सोना अति प्रिय है, तो आप पीली चीज़ में सोना खरीदें। जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते या नहीं है, आप सोना नहीं खरीद सकते हैं, तो हल्दी की गांठें खरीद लो, 7, 5, 11, 21, जितनी आप पे बन पड़े आप खरीद लो। गोमती चक्र ले लो, अगर एक चीज़ सफिशियंट है, जैसे अगर किसी ने हल्दी की गांठ ले ली है तो ज़रूरी नहीं है गोमती चक्र लेना, हल्दी की गांठें खरीद लो, उसको एक पोटली बनाओ, पहले माँ लक्ष्मी जी के सामने रख दो, हल्दी चंदन रोरी धूप दीप जो भी आप कर सकते हैं, भोग भोग लगा के और रखा रहने दो। फिर शाम के टाइम, शाम की आरती के बाद वो पोटली को उठा के अपने तिजोरी में रख लो, या जहाँ पर्स में डाल लो, जहाँ आपका कैश अमाउंट ज़्यादा रहता हो। चेक या उसके काम नहीं चलेगा, जहाँ आप कैश रखते हैं वहाँ आप रख सकते हैं इस चीज़ को। अगर जैसे धनिया, खड़ा धनिया, साबुत धनिया रहते हैं सबके यहाँ, वो रख सकते हैं आप पूजा के स्थान पर, उसकी पूजा पाठ करके। धनिया में भी माँ लक्ष्मी जी का वास होता है, ध्यान रखें ये चीज। झाड़ू में भी माँ लक्ष्मी का वास होता है, तो जिन चीज़ों में माँ लक्ष्मी का वास होता है, हम उन चीज़ों को नमन करके, उनकी प्रार्थना करके अपने घर की धन दान सुख समृद्धि सब बढ़ा सकते हैं। तो आप खड़ा धनिया पूजा में रख दें। ये दो उपाय मैं धन बढ़ाने के लिए बता रही हूँ। उनको दीप धूप नैवेद्य सब चढ़ा के, भोग भोग लगा के, और पीले कपड़े की पोटली बना लो उनकी। धनिया को भी सेम वैसे ही करना है, अपनी तिजोरी में, जहाँ पे भी आप कैश अमाउंट रखते हैं वहाँ रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसके बाद आपको, अब जैसे कुछ लोग कहते हैं नहीं नहीं मतलब कुछ अच्छा बताओ, तो आप गोमती चक्र खरीद सकते हैं, 7, 5, 11, 21, जितने आपको खरीदने हैं, नंबर डजंट मैटर है ना, तो आप गोमती चक्र ले सकते हैं, कोड़ियाँ ले सकते हैं, पीली कोड़ी आती है आराम से, इजिली मार्केट में रहती है, तो आप वहाँ से ले सकते हैं। कोड़ियों को भी अगर पोटली बनाना है पीले कपड़े की, अच्छा कोई भी सामग्री है इसको पीले कपड़े में बांध के रखना है। पीला कपड़ा विष्णु जी का वो होता है, कोड़ियाँ होंगी माँ लक्ष्मी, तो विष्णु लक्ष्मी जी का अपन ने साथ में उनको स्थापित कर दिया। अच्छा, अभी जिन लोगों को शत्रु बाधा बहुत सताती है उनका भी कल कर सकते हो आप। पीली सरसों के दाने रख लो मंदिर में,
उनको रखा रहने दो, पूजा कर लो। जो लोग लक्ष्मी स्त्रोत जानते हैं, जो लोग कनक धारा स्त्रोत जानते हैं, जो श्री सूक्त का पाठ कर सकते हैं, वो अपनी सामर्थ्य अनुसार पूजा पाठ कर सकते हैं। ये मैं उन लोगों के लिए बता रही हूँ जो लोग ऑफिस जाते हैं, उनको टाइम नहीं है उतना सब करने का, तो मंदिर में बस रखना ही पॉजिटिव उन एनवायरनमेंट हो जाता है, पॉजिटिविटी हो जाती है। माँ लक्ष्मी के आगे रख दो, उनके चरणों में समर्पित कर दो, जो भी चीज़ है अपनी विश मांगो कि माँ लक्ष्मी हमारे घर में सुख शांति धन संपत्ति धन धान्य से भरा रहे हमारा घर, ऐसी प्रार्थना करते हुए आप बस इतना कह सकते हैं, रख सकते हैं और प्रार्थना कर लें, हाथ जोड़ के नमन कर लें। ठीक है, शत्रु बाधा के लिए भी आप पीली सरसों को वैसे ही रखें, उनकी पूजा पाठ करें। जो लोग हवन आदि कर सकते हैं वो करें, ना कर सकते हो तो वो बस उनको समर्पित करें और अपनी प्रार्थना करें, शत्रु बाधा से मुक्ति रहे, शत्रुओं से हम बहुत परेशान हैं, हर प्रकार के शत्रु नाश करें, ऐसी करके वो भी पीली पोटली बना लें एक, और उसको भी अपने लॉकर तिजोरी पर्स में रख सकते हैं। सुहागन स्त्रियों को अपने सुहाग अखंड रहे उनके लिए अपनी पूरा 16 श्रृंगार मांग वांग पूरा भरना चाहिए, बिंदी लगाना चाहिए, मेहंदी कोन है तो कोन लगा लो, महावर लगा लो, तो ये सब करना चाहिए, पूरा 16 श्रृंगार करना चाहिए और माँ लक्ष्मी माँ पार्वती का आशीर्वाद लेना चाहिए कि भैया हमारे सुहाग की हमेशा रक्षा करना, उनकी आयु लंबी करना, उनको सुख समृद्धि अर्पित करना, ऐसी प्रार्थना करें। तो ये सब अपन अक्षय तृतीया के दिन कर सकते हैं, और तो बहुत सारी चीज़ें हैं बट ये छोटी छोटी है। जैसे जौ हुआ, जौ भी मिल जाता है मार्केट में, आप 15-20 रुपए का जौ ले लो, थोड़ा सा मुट्ठी भर ले लो, उसको भी अपन उसमें सिंदूर डाल दो, हल्दी कुमकुम सब धूप दीप दिखा दो, जौ को भी अपन पोटली बना के अपने लॉकर में पर्स में ये जहाँ पे भी अपन कैश अमाउंट रखते हैं वहाँ रख सकते हैं। तो ये थे अक्षय तृतीया के कुछ छोटे छोटे उपाय, आई होप आप लोग करें, आपको माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त हो। मैं भी माता रानी से ये प्रार्थना करती हूँ कि आप लोगों की विश पूरी हो, जो लोग भी ये उपाय करें उनकी विश पूरी हो। मैं अपने भगवान जी से भी प्रार्थना करती हूँ, विष्णु भगवान भी आपकी सारी इच्छाएं पूरी करेंगे। आप ये करके देखें उपाय, आपको फ़ायदा हो, आपको लाभ प्राप्त हो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मेरा चैनल लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, बेल बटन को भी टच करना ना भूलें ताकि आपको पता चले मेरा नेक्स्ट वीडियो कब आने वाला है। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।